वेलकम गाइस, आज का टॉपिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स है। अगर देखा जाए तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फिजिक्स के लिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप भूल जाइए कि आपसे न्यूमेरिकल होगा। इवन थ्योरी में भी काफ़ी जगह पे प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस टॉपिक को अच्छे से हम लोग सीखेंगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथ का हम लोग पढ़ेंगे एंगल पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री। एंगल उसमें भी छह होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक। इनमें से हमें सिर्फ साइन कॉस टेन को ही याद रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा को। इनमें कितने एंगल्स हैं जो हमें पूरे फिजिक्स के ड्यूरेशन में मिलेंगे उनको याद रखना है ताकि हमारा समय बचे, है ना। तो उसमें है सबसे पहला 0, देन 30, देन 45, 60, 90, और हम कह सकते हैं दो अलग से जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाएंगे। ठीक, ओके। अब वैसे बात करते हैं हम लोग, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, एंड 90 की वैल्यू 1। इनको अभी हम एक ट्रिक से देखेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी? 1। कॉस 30 की वैल्यू √3/2। हम ये याद कैसे करेंगे? साइन की वैल्यूज याद कर लीजिए बस, बाकी को ऐसे रेसिप्रोकेट करके रिवर्स करके लिख लीजिए। जैसे 1 को हमने यहाँ लिखा, अब √3/2 को यहाँ लिखेंगे, 1/√2 जस्ट यहीं पड़ेगा, ये चला जाएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा यहाँ पे, सिंपल है ना। अब बची बात टेन की, तो टेन को हम याद रखते हैं क्या? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब टेन की ये वैल्यू लिखनी है तो साइन की अपॉन कॉस की लिख लेते हैं। 0/1 क्या हो जाएगा? 0। 1/2/√3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको डिवाइड करेंगे साइन अपॉन कॉस, तो दोनों सेम है तो कट के क्या हो जाएगा? 1 बचेगा। इनका डिवीजन करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, ऊपर क्या बचेगा? √3। लास्ट 90 वाला, 1 में 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो समथिंग बाय 0 क्या देता है? अनडिफाइंड इन्फिनिटी जिसे कहते हैं हम लोग। ये दोनों एंगल, जैसे हमसे पूछ लिया जाए कॉस 53 की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए आपको बस क्या करना है? एक छोटा सा ट्रायंगल याद करना है। और ये भी ट्रायंगल कौन सा? 4, 3 एंड 5, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है ये। 3, 4 एंड 5 के साइड्स के एक ट्रायंगल को हमें क्या करना है? याद रखना है। ये स्मॉलर साइड के सामने का एंगल स्मॉल होगा और लार्जर के सामने का लार्जर होगा। ठीक, ये 4 के सामने 53 ज़्यादा और 3 के सामने स्मॉल वाला 37, ये डायरेक्ट लिख लें। और ये बच्चा एंगल कितना हो गया? 90। 5 के सामने सबसे बड़ा हो गया। ओके, अब इसमें हम सीधे सीधे क्या कर लेंगे? पुट कर लेंगे रेशियो वाला पैटर्न लगा के। जैसे हम बात करें साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन की वैल्यू क्या होती है अगर हम रेशियो की बात करें? तो रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन 37 कहाँ पर है? ये रहा। इसमें अगर देखें तो साइन 30 ये लेंगे, तो इसके सामने का 37 के सामने का क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 3/5। तो ये कितना हो गया? 3/5, सिंपल है। कॉस का इसी तरह से लिख लेते हैं हम लोग। कॉस 37 जब लिखने जाएंगे तो हम कॉस का रेशियो याद करेंगे। कॉस का रेशियो क्या होता है? कॉस के रेशियो में अगर बात करें तो होता है क्या? बेस बाई हाइपोटेनस, है ना। तो बेस क्या है? 4 है, और हाइपोटेनस क्या है? 5। क्यों बेस किया? क्योंकि 37 की बात हो रही है तो 37 के अकॉर्डिंग ये बेस हुआ, तो 4/5 हाइपोटेनस हो गया। अब फिर लास्ट में टेन के लिए हमें कुछ नहीं करना है, चाहे तो हम ये कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, 3/4 लिख ले, या साइन अपॉन कॉस से करेंगे तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5/5 कैंसिल हो जाएगा, 3/4 बचेगा, सिंपल। उसी तरह से 53 के लिए क्या करेंगे हम लोग? साइन 53 जब लिखने जाएंगे हम लोग इसके लिए, तो क्या होगा? 53 जब ये हो गया तो इसके सामने परपेंडिकुलर हुआ, और ये क्या हो जाएगा? बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो 53 के सामने परपेंडिकुलर हुआ अगर, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा? 4/5। कॉस का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर 53 की बात हो रही तो इसके साथ वाला बेस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 3/5। फिर लास्ट में टेन के लिए क्या करना है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या हो जाएगा? 4/3, या रेशियो वाले से दिस, सॉरी दिस अपॉन दिस, तो 5 से 5 कट जाएगा, 4/3। ये हो गया हमारे पास एंगल्स। इतने एंगल हमारे पूरे फिजिक्स में यूज होंगे, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगला क्या है? अगली की बात करते हैं हम लोग कि जो एंगल्स होते हैं इनमें क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग
जैसे हम क्या कह सकते हैं, हम इन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं आपस में कैसे इन्वर्स होते हैं, कह सकते हैं चेंज कैसे होते हैं, ठीक, क्वाड्रेंट के हिसाब से हम अगर बात करें तो। और एक चीज़ ये भी याद कर ले हम लोग, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, फिर सेक थीटा एंड लास्ट कोसेक थीटा, ये होते हैं। और इसमें हम लोग इसको लास्ट को पहले से, सेकंड लास्ट को सेकंड फर्स्ट से, और बीच वाले को बीच से मैच करा देते हैं। ये पेयर होते हैं, इनको याद करना बड़ा आसान होता है अगर ये सीरीज वाइज याद है तो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, डन। अब अगली बारी इसमें क्या है, एक क्वाड्रेंट बनाते हैं हम लोग, ठीक है, जो एंगल इनमें आ रहे हैं वो तो हमें रटे रटे से रहेंगे हम लिख लेंगे, कुछ ऐसे एंगल होते हैं लाइक 225, इनकी बात अगर हम करें तो हमें याद तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, इस तरीकों को यूज करेंगे। कैसे देखें, सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं, जीरो एंगल होता है यहाँ पर, यहाँ होता है 90 डिग्री, इसको हम पाई बाई टू रेडियन लिख सकते हैं, यहाँ होता है 180 डिग्री, इसको लिख सकते हैं पाई रेडियन, ये होता है 270 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 रेडियन, और वापस जब एक चक्कर घूम कर आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, है ना, ये तो हमें पता ही है। दूसरी चीज़ एक बात बता दें अभी हम, इसका मतलब क्या होगा अभी कुछ देर में समझ में आ जाएगा, यहाँ याद रखें चेंज होता है और यहाँ याद रखेंगे नो चेंज, चेंज नहीं होता, क्या नहीं होता है वो हम बताएंगे अभी जस्ट, ओके। दूसरी चीज ये होगी, अब अगला बार ये है कि हमें इसमें याद रखना है ऑल सारे के सारे, क्या ये 6 के 6 क्या होते हैं इसमें, पॉजिटिव होते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, जैसे खत्म हो जाएगा अपने आप पूरा समझ में आ जाने वाला है, ऑल पॉजिटिव इसमें याद रखें। इसमें याद क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट है ऑल शुगर टू कॉफी, शुगर टू कॉफी, ऑल की जगह हम ऐड लिख दें तो ज्यादा अच्छा है, ऐड शुगर टू कॉफी, ये कौन से, ये एक स्टेटमेंट भी बन जाता है, याद करने में आसानी होगी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड मतलब ऑल रहेगा, ए स्टैंड्स फॉर ऑल, शुगर मीन्स यस हियर साइन, इसमें कौन पॉजिटिव होगा, साइन थीटा पॉजिटिव होगा, इसमें कौन है, टी है, टी मतलब टैन, तो इसमें होगा टैन थीटा पॉजिटिव, और इसमें कौन बचा, सी, सी मीन्स वे कॉस, कॉस थीटा इसमें क्या होगा, पॉजिटिव, ये हमें इतना याद रखना पड़ेगा, ऑल एड से हो जाएगा, सुगर से यस हो जाएगा साइन, टी से टू हो जाएगा टेन थीटा, और कॉफी सी से हो जाएगा कॉस थीटा, ये लोग इनमें पॉजिटिव होते हैं, ऑल मतलब 6 के 6 प्लस, इसमें साइन प्लस रहेगा, इसमें टेन प्लस रहेगा और कॉस प्लस रहेगा, हम जैसे कि बोल रहे हैं यही तीनों याद रखने हैं, तो ऊपर के तीन हमें याद रहेंगे, बाकी याद रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नहीं याद हो रहा है मतलब कन्फ्यूजन है कि ये तीन को कैसे याद करें, तो साइन का पेयर कौन है, कॉसेक है, तो इसमें कॉसेक भी प्लस मान लेते हैं, ठीक यही कॉन्सेप्ट है, इसमें टेन है तो टेन के साथ कौन है, तो इसमें कॉट भी पॉजिटिव होगा, इसमें कौन है, कॉस है तो कॉस के साथ कौन है, सेक है तो उसमें सेक भी पॉजिटिव होगा, खैर हमने तीन की बात की है बस, ठीक ये हो गया। अब देखते हैं इसका यूज कैसे करना है, उससे पहले एक बात, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट किया जाता है या देखा जाता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उस एंगल को हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज दिया जा रहा है तो क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव लेंगे हम लोग ऐसा, ठीक। अब देखें इसका अप्लीकेशन क्या है, कैसे इसको हम यूज करेंगे, ये कहानी थी, अब इसका रिजल्ट देखें यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल हमसे बोला है कि एक आंसर बताएं साइन 30 की वैल्यू, तो हम तो यहाँ से देख के लेंगे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है उस समय, लेकिन अगर हमसे बोलता है साइन 225 की वैल्यू बताएं तो हमारे चार्ट में तो था ही नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, तो उससे बचने के लिए यहाँ पर आएंगे हम, और यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे वो देखें, यहाँ पर हम क्या ऐसा लिख सकते हैं साइन 225 को साइन 180 प्लस 35, सॉरी 45 यहाँ लिख लेते हैं, दिख नहीं रहा है, साइन 180 प्लस 45 लिख सकते हैं क्या, 180 प्लस 45 क्या हो जाएगा 225, अब ये हो गया, अब ये ध्यान से देखें 180 प्लस मतलब किस क्वाड्रेंट पे जाएंगे हम लोग, 180 कहाँ पर है, यहाँ पर, प्लस
प्लस करेंगे तो नीचे जाएंगे या ऊपर, तो देखिए डायरेक्शन हमेशा ऐसे लिया जाता है, मैंने कहा तो ऐसे चलेंगे तो प्लस करने पे 180 में यहाँ पे आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन प्लस होता है, इसका मतलब साइन निगेटिव होता होगा, तो यहाँ साइन लगा तो क्या लगा देंगे आगे हम लोग, निगेटिव। पहला कॉन्सेप्ट ऐसे यूज करना है। दूसरी चीज, 180 प्लस है, क्या 180 पर हमने चेंज के लिए या जीरो पे चेंज के लिए कुछ लिखा है? नहीं लिखा है, वो तो 90 और 270 पे चेंज की बात हुई है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर चेंज रहेगा, यहाँ पे लिखते हैं नो चेंज और यहाँ पे लिखते हैं नो चेंज, ठीक है। ये छोटी सी हो गई, नो चेंज, नो चेंज, चेंज और चेंज, मतलब 180 पे चेंज नहीं होगा। इसका क्या मतलब था हम बताने वाले, अब देखें, साइन चेंज नहीं होगा, साइन अपनी जगह रहेगा ऐसे ही। 180 प्लस हुआ, थर्ड में गया, इसलिए हमने देखा कि साइन कॉस टेन कौन सा था, तो साइन था, जबकि तीसरे में टेन प्लस होता है तो साइन की वजह से निगेटिव हो गया। फिर उसके बाद 180 पर थे तो 180 पर चेंज नहीं होता, इसलिए साइन को हमने कुछ नहीं बदला। फिर उसके बाद ये काम खत्म, 180 का काम खत्म, अब कौन बचेगा? बस 45। अब साइन 45 का तो पता नहीं वहाँ से कितना है, 1/√2, 1/√2, लेकिन आगे क्या है, माइनस। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक तो ये था, दूसरा देखते हैं एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या हम कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं साइन 135, ठीक है। साइन 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, दो तरीके से। साइन 135 को लिखा जा सकता है 90 + 45 या साइन 180 - 45, दोनों केस में ये वही आने वाला है। तो हमने कुछ किया नहीं, बस इसको अपने तरीके से चेंज किया है ताकि आंसर हमें मिल जाए, इसको हम अप्लाई कर सके। तो पहले इस वाले को लेते हैं, फिर इससे भी करके देखते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो साइन 90 + 45 करेंगे हम लोग, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले चेक करेंगे एंगल, 90 प्लस मतलब किस क्वाड्रेंट पे जा रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो थर्ड सेकंड में जा रहे हैं, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन के अकॉर्डिंग लगाएंगे प्लस। फिर देखेंगे ये वाला एंगल, ये 90 है, 180 है, क्या है, तो 90 है, तो 90 पर क्या होता है, चेंज होता है, साइन चेंज होगा किस में, कॉस में, डन, कॉस हो गया। अब ये इसका काम खत्म, इसने साइन दिया और साथ में क्या दिया, इसको बदला है कि नहीं बदलना है वो बता दिया। अब बचे सिर्फ कौन, 45, तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, सिंपल सा है कि नहीं। ये हो गया इस मेथड से, इससे देखते हैं हम लोग इस वाले से। चलिए फिर से शुरू करते हैं, 180 - 45 कौन से कोऑर्डिनेट, 180 माइनस किया गया तो, 180 माइनस किया गया तो वापस सेकंड में आ रहा है, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन के अकॉर्डिंग लगाएंगे पॉजिटिव, लिखा ना, साइन पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद 180 देखते हैं, 180 पर चेंज होता है कि नहीं होता है, तो लिखा है कि 180 पर चेंज नहीं होगा ना, तो 180 पे चेंज नहीं करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ये साइन लिखा जाएगा। फिर लास्ट में क्या लिखा जाएगा, 45, या माइनस मत सोचें, माइनस का काम क्या था, 180 माइनस सिर्फ ये बता रहा था कौन से क्वाड्रेंट पे जाएंगे, उसका काम खत्म। तो +45 के साथ लिखेंगे, साइन 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2, सिंपल है। एक लास्ट देखते हैं हम लोग, जैसे टेन, टेन के कुछ भी वैल्यू लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल 270 और 45 कर लेते हैं हम लोग, 315, 315 पे, हाँ 315 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 315 पूछ लिया अगर हमसे, और हम सोच रहे हैं कि हमारे चार्ट में तो ये था ही नहीं, बहुत ज़्यादा एंगल हो गया है, तो हम उसके लिए परेशान नहीं होंगे, हम सिंपली इसको लिखेंगे टेन, इसके जस्ट आगे पीछे कोई ऐसा को जो हमें पता हो, तो हमें 360 पता है ना, 360 में से कितना माइनस करें कि 315 हो जाएगा, 45 हो गया। अब ध्यान दें, इसके लिए हमने क्या कहा था कि कॉन्सेप्ट क्या है, पहले देखें कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो 360 - 45 कौन से क्वाड्रेंट में, 360 हियर, माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे, कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कॉस प्लस होता है, मतलब टेन क्या रहा होगा, माइनस, तो पहले तो साइन लग गया क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अब दूसरा काम कौन सा देखना है कि 360 पे चेंज होता है या नहीं होता है, तो 360 पे यहाँ लिखा गया था नो चेंज, चेंज सिर्फ इन दोनों पर होता है, इन दोनों पर चेंज नहीं होता है, तो 360 के अकॉर्डिंग टेन चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे टेन ही रहेगा, 45 लिख देंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस सिर्फ बताया था क्या कोऑर्डिनेट कौन से है होगा। अब सोचो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, साथ में माइनस लगाया तो आंसर कितना हो गया, -1। ये था हमारे पास एंगल्स, और जो एंगल्स हमें नहीं पता हो, बहुत बड़े हों, उनको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट पे अब मूव करते हैं, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए इसमें एक चीज़ बता रहे हैं हम आपको, जो आपके बहुत सारे डेरिवेशन में 11th में भी 12th में भी मिलने वाले हैं, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, ऐसा लिखा जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा इफ
थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल कह सकते हैं हम लोग कि अगर थीटा बहुत कम है, मतलब एंगल अगर बहुत कम है, तो हम साइन को टैन भी लिख सकते हैं, इवन साइन टैन को हटाकर सिर्फ थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? शॉर्टकट में देखते हैं इसको हम लोग, बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसको सिर्फ याद रखेंगे, अभी उसका कॉन्सेप्ट देख लें। हम जनरली एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाएं तो इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेनस, और इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, है कि नहीं? और इसको हम मान लेते हैं क्या है, थीटा एंगल है। अब सोचिए ध्यान से कि अगर इस ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा यूज कर लें, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, है कि नहीं? ये तो हम लिखते आ रहे हैं। अब बची बात की क्या इसी में हम लोग इसको एक सर्कल जैसा, इसको सेंटर मान लें और इसको ऐसे घुमा के पूरा एक सर्कल सोच लें, तो ये आर्क जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो हम एंगल इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क बाई रेडियस। जब ये सर्कल पूरा बन जाएगा तो ये एक तरह का क्या कहलाएंगे, रेडियस कहलाएंगे। तो इसको ले लेते हैं पी आर्क बाई रेडियस बी, या एच भी ले सकते हैं, क्योंकि रेडियस तो ये भी कहलाएगा ना, हम इसकी जगह ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एच भी ले सकते हैं। ये हो गई इसकी कहानी, ठीक है? मतलब ऐसे लिख ले ज़्यादा अच्छा लगेगा, पी बाई एच, दोनों लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हमें क्या दिख रहा है कि साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज अलग तो हैं, लेकिन अगर थीटा बहुत छोटा कर दें, बहुत छोटा मतलब कुछ इस तरीके से, छोटा करते 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 ये पॉइंट जैसे जैसे पास आएगा, थीटा क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। देखिए छोटा हो रहा है और छोटा हो रहा है और छोटा हो रहा है, जैसे ही एकदम ये पी ऊपर वाली लाइन नीचे आ जाएगी, क्या लगता है, ये एच और बी ओवरलैप कर जाएंगे पास आते आते? तो जब ओवरलैप कर जाएंगे तो बी बराबर एच नहीं लिख सकते हम लोग, लिख सकते हैं कब, जब थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो। तो जहां पर एच है वहां पर हम बी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, और ये दोनों वैल्यू तो बराबर दिख रही है, लेकिन किस कंडीशन में, जब थीटा छोटा हो, जब ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब साइन थीटा विल बी इक्वल टू टेन थीटा, और यही दोनों तो ये भी है ना बराबर, थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब थीटा क्या हो, बहुत ही छोटा, सिंपल सा है। ओके, आगे एक और टॉपिक है, छोटा सा मैथमेटिकल पार्ट है, जो हमारे पूरे फिजिक्स में दो तीन जगह यूज किया गया, जैसे इसी इलेवेंथ में हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह यूज किया जाएगा, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। हमें बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, जितना हमारे फिजिक्स में है हम उतना ही सिर्फ जानेंगे, ठीक है? जैसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसमें हमें ऐसा कुछ फंक्शन मिलेगा, वन प्लस एक्स पावर एन, समथिंग लाइक दैट, वन प्लस एक्स टू द पावर एन, और एक कंडीशन होगी कि मॉड एक्स लेस देन वन होगा, मतलब जो ये वन के साथ ऐड होगा ये वैल्यू बहुत ही छोटी होगी, तभी बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा, अप्लाई होगा। और सिंपली बाइनोमियल एक्सप्रेशन सीधा खुलता है, खोलने को, ओपन होने को या एक्सपेंड होने को, तो बहुत बड़ा होता है वो, मैथ में आप पढ़ेंगे बहुत लंबा होता है वो, है ना, काफ़ी टर्म्स उसमें ऐड होते हैं, लेकिन हमारे फिजिक्स में अगर ये वैल्यूज ऐसी कुछ है तो हम सीधे ऐसे लिखेंगे, वन प्लस ये पावर सीधे आके एक्स के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड हो गया, सिंपल सा। अब इसका एप्लीकेशन हमारे फिजिक्स में ग्रेविटेशन में, मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको, जहां पे इसको यूज करके बड़ा आसानी से कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं सॉल्व। जैसे मैं कहूं आपसे अंडर रूट 2.02 की वैल्यू बताइए, तो मे बी हम कैलकुलेशन करके तो इसको जल्दी नहीं बता सकते, कैलकुलेटर होगा यार तभी कर पाएंगे, लेकिन अगर हम बाइनोमियल यूज करें तो हम इसको आराम से कर सकते हैं, है ना? देखिए कैसे, कैसे लिख सकते हैं, 2.02 पावर 1/2, है ना, रूट, देन उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, देख रहे हैं 2.02 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, या 2 ना करें इसको 1 कर लें, 1 1 जैसे करेंगे तो 1 प्लस क्या 0.02 लिख सकते हैं, और पावर 1/2, अभी कोई चेंज तो किया नहीं हमने, है ना? अब हमारा बाइनोमियल याद हमें आता है कि ये 1 प्लस एक्स जैसा, और ये x क्या है, लेस देन 1 है, तो हम इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.02 मल्टीप्लाइड 1/2, और 1 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.01, कितना हो गया आंसर, 1.01। देखिए कितना आसानी से आ गया, कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करना पड़ा, है कि नहीं? तो बाइनोमियल का इतना यूज हमारे पास आएगा, ग्रेविटेशनल में एक जगह आने वाला है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग
क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें दो तरह की क्वांटिटीज के विषय में हमें पढ़ना है। पहला तो ये वेक्टर और दूसरा स्केलर। वेक्टर और स्केलर हमें पूरे फिजिक्स में मिलने वाले हैं, पूरे फिजिक्स में हर जगह। तो शुरुआत करते हैं कि वेक्टर हम किसे कहते हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। खैर ये चैप्टर नंबर 3 मोशन इन प्लेन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं, अभी हम पढ़ लेते हैं ताकि उस समय के लिए हमारे पास क्या हो जाए, थोड़ा सा नॉलेज आ जाए। वेक्टर्स किसे कहते हैं, वेक्टर्स उन्हें कहते हैं जिन क्वांटिटीज के पास, वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ में क्या हो, डायरेक्शन हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट। किसी आदमी की वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर हम बोलते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो हम क्या साथ में लगाते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। ये जो पोर्शन है ये क्या बता रहा है हमें, डायरेक्शन, और ये जो पोर्शन हमें क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर्स। लेकिन स्केलर में ऐसा नहीं कुछ होता है, स्केलर में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। लाइक एग्जाम्पल अगर हम बात करें, 2 kg ऑफ राइस। क्या हम कभी दुकान पे जाते हैं और चावल खरीदते हैं तो हम बोलते हैं कि 2 kg ऑफ राइस हमें वेस्ट की तरफ दे दीजिए, नहीं बोलते ना, हम सिर्फ बोलते हैं 2 kg, वहाँ पे कोई डायरेक्शन यूज करते हैं। ऐसे चीज़ों को, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे केजी, केजी इज व्हाट, मास। तो मास क्या हुआ हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन यूज नहीं होता है, डन। ओके नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि वैक्टर्स एड कैसे किए जाते हैं। तो वैक्टर को ऐड करने के लिए स्पेशल थ्यूरीज होती हैं, स्पेशल लॉज होते हैं जिनके थ्रू क्या होते हैं वो लोग ऐड होते हैं, स्पेशल लॉज फॉर एडिंग द वेक्टर्स, उन्हें हम वेक्टर लॉज ही कहने लगते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जबकि स्केलर क्या होते हैं, जनरल लॉज है, जनरल मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ऑपरेशन, जनरली उनको हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। 2 × 3, खैर एडिशन की बात हो रही है, 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इनको हम जनरली ऐड करते हैं, कुछ सोचते ही नहीं, ना डायरेक्शन की बात करते हैं ना कुछ ना कुछ, लेकिन इसमें सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, इधर आपका दोस्त 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और आप इधर लगा रहे हो कितना, 2 न्यूटन फोर्स। जरा सोचिए बॉडी पर कितना फोर्स हो गया, इसके अकॉर्डिंग चलते थे तो 10 और 2 कितना बोलते हैं, 12, लेकिन वो गलत हो जाता हमारा आंसर। हम कितना बोलेंगे, इधर 10 है इधर 2 है, तो आपका 2 न्यूटन आपके दोस्त में से 2 न्यूटन निकाल लेगा तो कितना बचेगा आपके दोस्त के पास, 8 न्यूटन, और ये 8 न्यूटन किधर लगेगा, राइट साइड में लगेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम कुछ स्पेशल्स क्या लगाते हैं, थ्योरीज लगाती हैं। वो थ्योरीज खैर अभी जस्ट हम लोग कुछ देर में पढ़ेंगे। ये हो गया वेक्टर्स के विषय में बेसिक बातें। अब हम बात करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हम अभी 2 तरीके पढ़ लेते हैं। उन दोनों तरीके को क्या कहते हैं, पहला तरीका होता है एनालिटिकल और दूसरा होता है ग्राफिकल। एनालिटिकल क्या होता है, देखें, एनालिटिकल, एनालिटिकली पहला और दूसरा ग्राफिकली। ठीक है, एनालिटिकली क्या होता है, जैसे हम लिख दें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू बहुत आसानी समझ लेंगे एनालिटिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 6 न्यूटन फोर्स इन वेस्ट डायरेक्शन। अब वेक्टर है तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए थी, मैग्नीट्यूड होना चाहिए था, डायरेक्शन है दोनों। 6 न्यूटन, जो 6 है वो मैग्नीट्यूड है और जो वेस्ट वाली पार्ट बता रही वो क्या बता रही है, डायरेक्शन। ठीक, इसी चीज़ को ग्राफिकली अगर दिखाना होता तो क्या करते हैं, तो ग्राफिकली के लिए हमें ये जनरली बात याद होनी चाहिए कि इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ, इधर क्या होता है, साउथ।
अगर हम इसी चीज को दिखाते तो हम ऐसे दिखाते हैं वेक्टर लाइक दिस, और इसकी जो लंबाई होती है उसको हम अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं और लिखते क्या 6 न्यूटन, 6 न्यूटन, जिसकी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ दिस एरो टेल्स अबाउट मैग्नीट्यूड। तो लेंथ किसके प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नीट्यूड के। जितना ज़्यादा लेंथ करते जाएंगे उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड होती चली जाएगी। और जो इस एरो की बात होगी वो क्या बताएगा हमें, डायरेक्शन। तो एरो से देख के लग रहा है कि ये किधर है, वेस्ट में है, तो ये लिखते हम या ये बनाते, दोनों मतलब क्या है, सेम है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोनों में से कोई सा भी तरीका क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए एक चीज़ और ना, इसमें क्या है हमें पढ़ना है या समझना है, शोइंग ऑफ वैक्टर्स। वैक्टर को कभी कभी क्या कहते हैं, डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, वो बताते जरूर लेकिन कंफ्यूजिंग होता है वो। जैसे मैं कहूँ कार्टेशियन बनाकर, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। अब जैसे मैं बोलूँ कि इसको क्या रीड करेंगे हम लोग, 60 डिग्री लेते हैं, 60 डिग्री है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको लिखेंगे हम लोग 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब 60 डिग्री किधर जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ, किससे, नॉर्थ से। तो इसको हम पढ़ेंगे 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, जो पर्टिकुलर इसी दिशा में होते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, ड्यू नॉर्थ। इधर होता तो ड्यू ईस्ट लिखते हैं। ठीक, और जैसे एग्जैक्टली बीच में होते हैं 45 45 पे, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं कि 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसके एग्जैक्टली बीच में, तो साउथ वेस्ट बोलते हैं, साउथ वेस्ट एग्जैक्टली बीच में। अगर वो यहाँ होता तो नॉर्थ और ईस्ट के एग्जैक्टली 45 डिग्री पर, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, या क्या बोलते हैं, ईस्ट ईस्ट नॉर्थ, दोनों बोल सकते हैं हम लोग। तो ये वैक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, तरीका होता है, दिखाते हैं कि हाँ इधर है वैक्टर, उधर है, ऐसा कुछ। अब उसके बाद एक और टॉपिक छूटा है इसमें, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर थोड़ा सा जान लेते हैं, खैर इसके विषय में थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम लोग। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी पर्टिकुलर वेक्टर की दिशा में, जैसे वेक्टर ए है, इसकी कुछ अपनी लंबाई है, इसका कुछ डायरेक्शन है, डायरेक्शन मान लेते हैं ईस्ट की तरफ है, इसी की दिशा में यदि मैं एक यूनिट लेंथ की बात करूँ और उसमें एरो बना दूँ, तो ये वाली जो यूनिट लेंथ के साथ एक वेक्टर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। हमारे यहाँ तीन तरह के यूनिट वेक्टर मिलने वाले हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, स्मॉल में सब। आई किधर होता है, एक्स की तरफ होता है, जे वाई की तरफ, और ये के किधर होता है, जेड की तरफ। मतलब एक्स दिशा में यदि हम कार्टेशियन बना लें ऐसे तीनों का, एक्स वाई और जेड, याद रखें ये एक्स वाई जेड जरूरी है कि यहीं हो, यहाँ भी एक्स हो सकता है, यहाँ वाई, यहाँ जेड, वो कोई फिक्स नहीं, हमारे इजीनेस के लिए कि हाँ थोड़ा सा अच्छा रहे, जो पहले से चल रहा है वही रहे, इसलिए एक्स वाई जेड लिखते हैं लोग। एक्स की दिशा में यदि यूनिट लेंथ पे चले तो वो क्या कहलाएगा, आई कैप। वाई की दिशा में यूनिट चले तो क्या कहलाएगा, जे कैप, और जेड में चले तो के कैप कहलाएगा। क्लियर, ये यूनिट वेक्टर हो गए। अच्छा, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, जैसे मैं बोल दूँ एक वेक्टर है ए बराबर, वेक्टर का कुछ ले लेते हैं हम लोग, 2i + 3j + 6k, इसका मतलब क्या है, तो इस वेक्टर का मतलब ये है कि जो ए है वो एक्स में दो बार दो यूनिट चल चुका है, वाई में कितना चला है, 3 यूनिट, और सिक्स जेड में कितना चला है, 6। जैसे मैं दो को अगर लेता और बोलता किधर एक्स है उधर वाई है, तो एक आदमी की डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना दिया गया, 2i + 3j, इट मीन्स कि ये आई जो है एक्स के लिए बोला गया, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए वो आदमी दो यूनिट, 2 मीटर बोल लीजिए, 2 सेंटीमीटर बोल लीजिए, 2 किलोमीटर बोल लीजिए, बट दो बोलना है, तो ये दो किधर चला है, एक्स में, और वाई जे के लिए होता है तो वाई में कितना चला है, 3, तो यहाँ से 3 वो इस समय यहाँ पे है, सिंपल से मतलब है। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि आई मतलब एक्स और जे मतलब वाई, तो दो पार्ट एक्स में चला है और 3 पार्ट किस में चला, वाई में, और उसको ग्राफिकली बनाना तो एग्जैक्टली ऐसे बना दीजिए, खत्म। समझ में आ जाएगा उस आदमी को कि हाँ इधर चला है और इधर भी चला है, इधर 2 चला उधर कितना चला है, 3 चला है। मैं बोलता कि इस वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर बताइए, तो आई और जे तो एक्स और वाई की यूनिट वेक्टर है ना, इस वेक्टर की यूनिट वेक्टर बताइए,
तो क्या करना है, वी यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करना होता है, डिवाइड। और जैसे डिवाइड करेंगे यूनिट वेक्टर मिलेगा किसका, डी का। तो इसको कैप से बताएंगे, कैप लगता है, कैप यूनिट वेक्टर की स्पेशल के लिए बताया जाता है कि हाँ ये वेक्टर है बट यूनिट है। तो कैसे लिखेंगे, डी लिख लीजिए, 2i 3j, लेकिन नीचे क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं हम लोग, अंडर रूट लगाते हैं, आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर। हो गया कितना, हो गया 2 2 4 + 9, अंडर रूट 13। ये कर लीजिए, ये आंसर है हमारा किसका, इस दिशा में डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा, 2i + 3j / √13। क्लियर, आज के लिए इतना ही रहेगा हम लोग का। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 अपने फिजिक्स का। ठीक, ऑल द बेस्ट।